हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज गणपति का सेकेंड डेज है, आज के दिन विसर्जन भी है। तो आज हम स्टार्ट दिखाएंगे आपको कि हम विसर्जन कैसे कर रहे हैं, कैसे पूजा कर रहे हैं और विसर्जन कर रहे हैं। तो पूरा ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा। आलू में डाल देना, निकाल लो, आलू में डाल देना। हेलो, और यहाँ किचन में चल रही है सबके लंच की तैयारी और प्रसाद भी बन रहा है ना। छोले बना रही भाभी। और आज डिफरेंट सा छोला खाने को भी मिलेगा। आशा भाभी बना रही है छोले और प्रीति क्या बना रही? प्रीति मसाले की तैयारी कर रही है। आलू भाभी कहाँ गई हमारी? हमारी भाभी बना रही है प्रसाद। ना लिया आपने? अरे भाभी नाम आके बस अब रेडी होगी। मुझे पंच भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है, जिसमें अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी इन पंच महातत्वों की उपस्थिति है। इन्हीं पंच महातत्वों को क्रमशः समर्पित कर गणपति की मानस पूजा मन के द्वारा पूजा करेंगे। बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। पाँच सात आठ गणपति हमारे साथ, 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा, 12 13 14 15 16 गणपति है सबसे भोला, 17 18 19 20 देखो इधर देखो मम्मा को। ऐसे गणपति बप्पा जब आते हैं तो कितना अच्छा लगता है, हम लोग इतना एंजॉय करते हैं और एकदम से लगता है ना घर में कोई आया है, ऐसी वाली फीलिंग्स हो जाती है। बट जाने का टाइम आता है तो बहुत बुरा लगता है। माए दादा और भाभी दोनों इमोशनल हो गए, सब इमोशनल हो गए थे क्योंकि ऐसे लग रहा था ना कोई घर से जा रहा है, तो बहुत अजीब लग रहा था। बट हमने एंजॉय किया, बहुत अच्छा था। और ऐसे गणपति बप्पा नेक्स्ट ईयर फिर जल्दी से आना और फिर हम राजू पहनो पानी छूटे क्या? मोरिया 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 मोरिया। यहाँ पे अंचोल है, एक जगह है जहाँ पे ये विसर्जन होता है, तो हम लोग बस विसर्जन के लिए वहाँ निकल गए। वैसे हमें आइडिया है नहीं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है यहाँ पे, तो आइडिया है नहीं, तो बस जा रहे हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या विसर्जन का प्रोसेस है और कैसे करते हैं। बस अब वहाँ पहुँच के ही देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या है और क्या प्रोसेस है वहाँ पे। और लास्ट टाइम सबने गणपति बप्पा के साथ फ़ोटोज़ क्लिक किया और फिर हम निकल गए बोट के साइड। वहाँ से बोट पे जाना है, बोट से हमें अंदर जाना है, वहाँ पे हम विसर्जन करके आएंगे गणपति बप्पा का। तो अभी हम जा रहे हैं बस बोट के साइड पे और आपको दिखाते हैं कि कैसे विसर्जन वहाँ पे लोग कर रहे हैं। और हमें ऐसा पता चला वहाँ पे बहुत सारे लोग विसर्जन करने हुए आए हुए हैं। तो अभी देख, और हमें यहाँ बोट मिल गई और हम बोट से अभी जाएँगे अंदर और वहाँ पर करेंगे विसर्जन। तो लास्ट टाइम हमने थोड़ा पूजा पाठ किया, गणपति बप्पा को बिताई दी। लोग आए गए हैं अंचोल बीच गणपति बप्पा का विसर्जन करने के लिए, तो हम यहाँ से जाएंगे बोट पे। अच्छा के मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्तिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया। और यहाँ पे ये देखिए, ये सब लोग भी जा रहे विसर्जन करने के लिए। बहुत सारे इंडियंस हैं जिन्होंने गणपति बप्पा को अपने घर पे लाया हुआ था और वो लोग भी यहाँ पे आके विसर्जन कर रहे थे। आते वक्त हमें बहुत बुरा लग रहा था, जैसे लग रहा था खाली खाली सा हो गया। हम लोग इतना एंजॉय किया हम लोगों ने, बट आते समय बहुत ही बुरा लग रहा था। फिर फ्रेंड्स हम लोग घर आ गए गणपति बप्पा का विसर्जन करके। 2 दिन एकदम पूजा पाठ इतना ज़्यादा अच्छा था, फिर अभी अच्छा नहीं लगा था क्योंकि बिल्कुल सूना हो गया था गणपति बप्पा के जाने के बाद, अच्छा नहीं था। तो मैंने आपको सब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दिखाया, आप मेरा पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको पसंद आ रहा हो मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।